हेलो 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 इनकलाब इनकलाब भारत माता की बोले सोनिया। गुरु की नगरी अमृतसर साहब दे विच अज अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने, जदों तो इन्हां ते झूठा परचा पा के इन्हां नूं अंदर कीता, ओ तो बाद जेल चो निकल सार ये पहली बार पंजाब आए थे, अमृतसर आके मत्था टेकया, दरबार साहब मत्था टेकया, दुर्गयाना मंदिर मत्था टेकया, कल राम तीर्थ जावांगे, आशीर्वाद लवांगे, अरदास यही कीती है कि देश नूं पटड़ी ते चढ़ा मेरे मालका, देश दी डोर किसे चंगे सच्चे बंदियां दे हाथ फड़ा, यही अरदास कीती है। सो अज तुहाडा जोश देख के लगता है तुसी फैसला तो करी बैठे हो, हुण तां बटन ही दबना बस। थोड़ा प्यार है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लव यू टू, लव यू थ्री फोर फाइव। वीर ये थोड़ा प्यार ही है जिहड़ा सानू थक्कण नहीं दिंदा। साडे उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल जी मेरे कैबिनेट दे विच ने, ये जदों मंत्री सी 10,000 एकड़ जमीन जेड़ी के रसूखदारा ने दबी हुई सी इन्होंने छड़ाई है कब्जे चो, 10,000 एकड़ जमीन छड़ाई। ते जदों ये MP बन गए तो पार्लीमेंट च इन्हों तो मैक की भी लोड़ नहीं, इन्नी उच्ची आवाज है, इन्ना उच्चा कद है, ये तो बिना मैक तो बोलिया करनगे, मजाल है कोई 1 रुपया भी कोई सरकार पंजाब का मार के दिखा दे, 1 रुपया भी 1 रुपया भी। सो वीर तुसी एका रखियो, उदू पहला 25 तरीक नू दिल्ली च वोटां ने, थोड़ियां रिश्तेदारियां होणगियां, दोस्त मित्र होणगे, उन्हां नू भी कह दिओ, दिल्ली च तां नारा चली जांदा एक 25 मई भाजपा गई, सो दिल्ली दे विच तां नारा चल पिया है, ते अपने हैगा कि इस बार पंजाब बनेगा हीरो 13-0, इस बार पंजाब बनेगा हीरो, पंजाब बनेगा हीरो। सो वीरो तुसी आ जिहड़ा प्यार जनून दिखा रहे हो घरां दे विच्चों, बच्चे मावां भैणां बजुर्ग बाहर निकल के मान सम्मान दे रहे हो, अजकल लीडरां नूं कित्थे देखण आउंदा कोई, आ हार तुसी कई क्विंटल हार सुट दिंदे हो गड्डी ते, इह तां साडा कोई पिछले जन्म दा पुन ही है जिहड़ा सानूं प्यार मिलदा है, नहीं तां दूजे पासे अकाली दल वाले कांग्रेस वाले ते BJP वाले ने इन्हां नाल हाथ मिलाउण तों बाद उंगलियां गिणनियां पैंदियां ने, पूरियां ने जां लै गए कदी। सो इन्हां तो ना कोई उम्मीद रखियो, आपां ने कट्ठे हो के कल नूं पता लग जूगा शाम तक कि अपना बटन 99 नंबर ते है, बटन 99 मर्जी नंबर ते होवे आउणा आपां पहले नंबर ते है। सो दोनों हाथ उपर चाके अरविंद केजरीवाल दा हौसला बढ़ा दिओ, इनकलाब इनकलाब। अरविंद केजरीवाल जी तुहाडे सामने विचार रख बोले सो निहाल, भारत माता की, इनकलाब। दोस्तों मैं जेल से निकल के सीधा आप लोगों के पास आ रहा हूं, इन लोगों ने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया था, मान साहब मेरे से मिलने आया करते थे जेल में, मैं मान साहब से यही पूछता था पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग खुश हैं, मैं सोच रहा था इन लोगों ने मेरे को जेल में क्यों डाला, मेरा कसूर क्या है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, बस 2 राज्यों में दिल्ली में और पंजाब में, कसूर यह है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आप लोगों की बिजली फ्री कर दी इसलिए जेल में डाला, ये नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो, मेरा कसूर यह है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आपके स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं इसलिए जेल में डाला, ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो
ये नहीं चाहते आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मेरा कसूर ये है, आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं हम लोग, आपके लिए फ्री दवाइयों का इलाज का इंतजाम कर दिया। विडंबना तो देखो, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैंने सबका इलाज फ्री कर दिया, सबकी दवाइयां फ्री कर दी। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरे को 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, रोज मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लगता है। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। 350 पहुंच गई मेरी शुगर। अगर शुगर ज्यादा दिन रह जाए तो आदमी का लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ऊपर वाले की कृपा देखो, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन की मोहलत दे दी और मैं आप लोगों के बीच में आज मिलने के लिए चला रहा। अब ये लोग कह रहे हैं 20 दिन के बाद मेरे को जेल जाना पड़ेगा दोबारा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप झाड़ू का बटन दबा दोगे, मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दूसरा बटन दबाओगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। जब आप वोट डालने जाओ तो ये याद रखना, जब आप बटन दबा रहे हो याद रखना कि बटन आप केजरीवाल की आजादी के लिए दबा रहे हो या केजरीवाल को जेल भेजने के लिए दबा रहे हो। दूसरी बात, ये कह रहे हैं हमें 400 सीट 400 पार। हमने इनसे पूछा 400 सीट क्यों चाहिए, बोले मोदी जी को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमने कहा क्या बड़े काम करने हैं, बताया नहीं इन्होंने। फिर बड़ा खोद खोद के पूछा तो पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगर इनका बहुमत आ गया तो ये SC ST OBC इनका रिजर्वेशन खत्म करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म करेंगे, दोबारा चुनाव कराने बंद कर देंगे, इस देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है, इसी वजह से ये हमारे पीछे पड़े हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है, लेकिन हमारे लिए कोई जेल हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। तो इस बार जब झाड़ू का बटन दबाओ तो ये याद रखना, वो बटन आप संविधान बचाने के लिए डाल रहे हो और देश बचाने के लिए डाल रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, भारत माता की। धन्यवाद। सारे सत्कार जोग पहले पाओ। आप अपने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जेड़े देश तो रिहा होकर सीधे साढ़े को आए हैं, मैं इन्होंने पूरे अंबरसर वालों विश्वास दवाना कि साड़ी रिहाई वास्ते बटन की जो सानू जान देनी पई अही जान भी दे देंगे, सानू जेल भी जान देंगे। ताड़ी जित होगी पंजाब दे विच, जड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब ने तुसा जड़ा नारा 13 जीरो का दिता, सर 13 दिया 13 जित के देवे, अमृतसर की सीट जित के सर फिर ताड़े को आवेंगे। अभी सारे अमृतसर के वॉलंटियर पार्टी आगू तुम विश्वास दौदे कि पूरी पार्टी ताडे नाल है और असी मोदी का हर हथकंडा जरा अमृतसर की धरती के उत्ते फेल कर देंगे। सो मैं एक बार फिर अपने कौमी कन्वीनर जी को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, साढ़े जनरल सकत्तर डॉक्टर संजीव पाठक जी आया, सब नू अमृतसर की धरती के उत्ते जिया कहना और विश्वास दवाना कि 4 जून सर अमृतसर सीट जीत के ताड़ी चोली च पवोंगे।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਾ।